Located in the Kullu district of Himachal Pradesh, Tirthan Valley is regarded as one of the best offbeat locations near Delhi. Known as the gateway to the famous UNESCO World Heritage Site, the Great Himalayan National Park, this place has a lot to offer. In today's video, you will learn how you can plan a trip around it while being on a budget. What is up everyone, my name is Abhimanyu and welcome back for another episode in this series called Budget Travel in India. आज है पार्ट सेकेंड इस सीरीज का, पहले का पार्ट ऊपर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने बात करी है बिरबिलिंग के बारे में एंड कैसे आप बिरबिलिंग के अराउंड अपनी एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद उसको जाके ज़रूर देखना। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है तीर्थन वैली। तो बहुत ही खूबसूरत, शांत, बिल्कुल एकांत में बसी हुई ये वैली है। एंड इसके साथ ऐसा सीन है कि यार इसके पास में अपना मनाली एंड पार्वती वैली, तो काफ़ी फेमस स्पॉट्स हैं एंड मेजॉरिटी लोग अराउंड वहीं पे चले जाते हैं। एंड यहाँ पे इतनी जनता नहीं आती है, इसलिए ये इतना कमर्शलाइज भी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सही ऑफबीट एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी कुछ है सच में एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अलग अलग गांव हैं, अलग अलग रास्ते हैं, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल। मैंने दो बार ये जगह विज़िट करी है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या करने के लिए है, विज़िट कैसे करना है, स्टेइंग ऑप्शन सब कुछ ही बताएंगे एज यूजुअल। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आओगे या फिर आप अपनी गाड़ी या कोई कैब लेकर आओगे। तो अपनी गाड़ी और कैब का तो सॉर्टेड है यार, बंजार नाम से एक काफ़ी फेमस गांव है यहाँ पे, आप उसका GPS में लगा सकते हो, आप सीधा विजिट कर सकते हो। अराउंड अपना 16 से 18 घंटे का आप टाइम मान के चलो आने का, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट मनाली जितना ही हो जाता है। एंड इसके अंदर ये भी है कि जो आपका मेन हाईवे के बाद वाला जो पोर्शन है, जब आप वैली के लिए एक राइट कट आते हैं, जब आप वहाँ से मुड़ जाओगे तो थोड़े ट्रिकी रास्ते हो जाते हैं, बहुत जगह पे थोड़े पतले रास्ते हैं। तो अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर ही आना इस साइड, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हो तो ऐसा सीन होगा, औत नाम से एक जगह है, वहाँ के लिए आपको बस लेनी होगी। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से लेफ्ट साइड आपका औत का टनल है, जो टनल लेके आप मनाली साइड जाते हो, एंड राइट साइड से आपका जो तीर्थन वैली है उसके लिए रास्ता जाता है। तो आप यहाँ पे उतरोगे अपनी बस से, इसके बाद यहाँ से आप गवर्नमेंट बस ले सकते हो, बट फ्रीक्वेंसी है सच कुछ खास है नहीं। दूसरा ऑप्शन है शेयर टैक्सी और कैब का, वो अराउंड 400-500 रुपये के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लोग हो, कितना बड़ा ग्रुप है, उसके बेसिस पर रहेगा फिर। सो ट्रैवल का तो हो गया, अब बात करते हैं स्टे की। तो स्टे का ऐसा सीन रहेगा, यहाँ पे मेन चार जगह है जो फेमस है, जिसमें सबसे पहले है बंजार, सेकंड पे है GB, थर्ड पे है शोजा एंड फोर्थ पे है गुशेनी। तो बंजार काफ़ी फेमस जगह है एंड तो वहाँ पे आपको मेन जो होटल वगैरह होम स्टे टाइप ऐसी चीज़ें वो मिल जाएंगी। मैंने GB में एंड गुशेनी में स्टे करा हुआ है एंड होम स्टेज में ही रुका था मैं। वैसे यहाँ पे आपको होटल्स, होम स्टेज, रिजॉर्ट, स्विस कैंप, नॉर्मल टेंट्स, मतलब सब कुछ ही अवेलेबल है एक तरीके से, तो बट इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ है। सो कुछ हाई लेवल टाइप ऐसा फैसिलिटीज़ का मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट ओवरऑल काफ़ी सही ऑप्शन है आपके पास। मैं स्टिल सबको रिकमेंड करता हूँ होम स्टे में रुकने का, क्योंकि जो मेरा होम स्टे था गुशेनी में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे होस्ट थे एंड इतने प्यारे लोग थे एंड उनका इतना अच्छा खाना था, इतनी अच्छी स्टे की मतलब लोकेशन भी थी। तो मैं सबको वही रिकमेंड करता हूँ, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम को उनका, तो आप जाके वहाँ पे बुक कर सकते हो, बहुत सही एक्सपीरियंस था। सो ट्रैवल एंड स्टे का तो हो गया, अब बात करते हैं थिंग्स टू डू की। तो यहाँ पे सबसे मेजर एक्टिविटी जो है करने के लिए वो है हाइकिंग एंड ट्रैकिंग। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रैक करना। तो यहाँ पे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट बायोडाइवर्सिटी, तो आप उसके अंदर ट्रैक कर सकते हो एंड वो अपने में ही एक बिल्कुल अलग एपिक एक्सपीरियंस होगा। उसका परमिट्स का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे होगा एंड आई वुड रिकमेंड कि आप किसी लोकल गाइड के साथ करो, सो दैट आपको अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिले, प्लस आप ऐसे लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर पाओगे। हाइकिंग का ऐसा सीन है कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स है जो आप विजिट कर सकते हो हाइक करके, तो वो अलग अलग कैटेगरीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटरफॉल्स की। तो हमने तीन वाटरफॉल्स के लिए हाइक किया था, एक GB के पास था, अराउंड 15-20 मिनट्स का था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। सेकेंड वाला था वो गुशेनी के पास था, वो भी खास लंबा नहीं था, मतलब अराउंड 1 आवर का हाइक था एंड
चिल था, मतलब ऐसे कुछ टफनेस नहीं थी, बढ़िया व्यू था, मतलब वहाँ पहुँच के भी काफ़ी सही वाइब्स थी उस लोकेशन की। जो थर्ड वाटरफॉल हमने विजिट किया था उसका नाम है हिप्पो वाटरफॉल, क्योंकि वहाँ पे जब आप हाइक करके जाते हो तो वाटरफॉल के वहाँ पे मतलब इतना बड़ा एक पत्थर टाइप पड़ा हुआ है हिप्पो की शेप का, एंड काफ़ी सही लगता है। एंड जो ये वाटरफॉल है बिल्कुल जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसके गेट के पास में, तो आप उस गेट तक का जो आप हाइक करते हो ये थोड़ा लंबा हाइक है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, अराउंड 3-4 घंटे लग जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपका फिटनेस लेवल क्या है। सो नेक्स्ट हाइकिंग स्पॉट आपकी हो सकती है वो है चैनी विलेज। तो चैनी विलेज की खास बात ये है कि इसमें एक फोर्ट है एंड इसमें एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है जो अराउंड 400-500 साल पुराना है, एंड हिमालयन रीजन का सबसे ऊंचा ये मैन मेड स्ट्रक्चर है ऐसा, तो आप इसको विजिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे होम स्टेज भी है एंड एक तो ढाबे वाबे टाइप भी आपको मिल जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस होता है यहाँ का भी। हमने जनवरी में किया था एंड क्या मस्त स्नो थी यहाँ पे, एंड जैसे हम ऊपर पहुँचने वाले थे तब स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था, तो अलग ही एपिक एक्सपीरियंस था हमारा तो वहाँ का। इस सब के अलावा आप सरोलसर लेक का भी हाइक कर सकते हो, कुछ लोग उसको ट्रैक बोलते हैं कुछ लोग हाइक बोलते हैं, मैं वैसे उसको एज हाइक ही रेफर करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है। एंड इसी के पास है आपका जलोरी पास, एंड ये काफ़ी फेमस पास है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका नाम सुन रखा होता है, तो यहाँ पे आप आराम से आओ, मैगी खाओ, चिल करो, इन्जॉय करो ये। बट जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो यूजुअली सरोलसर लेक एंड जलोरी पास ही विजिट करते हैं, तो अगर आपको ऑफ बीट एक्सपीरियंस का है तो बाकी हाइक्स कर सकते हो, नहीं तो ये भी ठीक है, मतलब अगर आपका इस दिन है तो चिल कर सकते हो यहाँ पे भी। सो नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे करने के लिए वो है रिवर के पास चिल करना। तो वैसे तो आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो जैसे फ़िशिंग करना है या फिर रिवर क्रॉसिंग है या जो विलेजर्स यूज़ करते हैं पुली क्रॉस करने के लिए वो सब, बाकी हमने तो वैसे चिल किया था, कुछ मेंबर्स जो थे हमारे ग्रुप के उन्होंने फ़िशिंग की थी, बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। आप सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आके बैठ सकते हो, काफ़ी अच्छे फोटोज़ मिलते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया था तो मेरे को बढ़िया नज़ारे मिल गए थे। सो द फाइनल थिंग दैट यू कैन डू हेयर इज़ एक्सप्लोरिंग नियर बाई विलेजेस। तो यार मैंने जैसे अभी आपको सिर्फ 4-5 विलेजेस के बारे में बताया, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा विलेजेस हैं छोटे छोटे बिल्कुल अलग अलग दूर दूर कोनों में, जहाँ पे आप हाइक करके जा सकते हो, स्टे कर सकते हो, होम स्टेज है वहाँ पे, तो रुकने का भी सॉर्टेड है आपका, एंड हाइक करके जाओगे एंड काफ़ी अलग ऑफ बीट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो इफ़ यू आर इन टू दैट काफ़ी सही ऑप्शन आपके पास अलग अलग विलेजेस को एक्सप्लोर करने का। So that's it all for today. I hope you found this video useful. Do let me know in the comments below कि अगर मैंने कोई एक्टिविटी या कोई और डिटेल मिस करी है इसके बारे में, एंड आई पिन दैट कॉमेंट। उसके अलावा डू लेट मी नो कि आगे आपको और कैसी वीडियोज देखनी है, किस लोकेशन का ब्रेकडाउन देखना है, किस ट्रैक का ब्रेकडाउन देखना है। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, हिट दैट बेल आइकन, एंड आई सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।